औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए बिहार से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बिहार में आज अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में जेडीयू के सदस्यों ने जेडीयू पार्टी को रिज़ाइन करते हुए जेडीयू पार्टी को छोड़ते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदारत को हासिल किया है। जी हाँ, कांग्रेस और जेडीयू पार्टी को वहाँ पर लगा तगड़ा झटका। उनके वर्कर्स और उनके पार्टी के लीडरों ने उनकी पार्टी को छोड़कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदारत को हासिल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अंदर अपने आप को शुमालियत कर लिया है और आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अख्तर उल ईमान साहब को यहाँ से MP बनाकर वो लोकसभा की संसद में भेजेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोकसभा के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के लोगों ने जेडीयू और RJD पार्टी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदारत को हासिल करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से बिहार की राजनीति में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी तेज़ी के साथ वहाँ पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है और अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत वहाँ पर मजबूती के साथ काम करती हुई नज़र आ रही है और उसी का ये नतीजा है कि आज JDU और RJD के पार्टी के नेताओं ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदारत को हासिल करते हुए अरेरिया विधानसभा में आज मजलिस ने एक बखूबी काम निभाया है और आने वाले लोकसभा चुनाव के संकेत अभी से ही दे दिए हैं। तो आप सब मिलकर ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ जुड़े रहें और मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।